नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैम्स का स्टॉक। दोस्तों, तो इसका टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा तो लगभग 6 से 8 महीने पहले ये स्टॉक 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 1965 का है और 52 वीक हाई देखेंगे तो 4067 का है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 12,489 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 2554 चल रहा है और इसका स्टॉक पी है 45, बुक वैल्यू 93.8 है, डिविडेंड यील्ड 1.05 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 57.7% की है, ROE 44% की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कंपनी जीरो डेप्ट कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। कंपनी का 5 ईयर्स का कैश फ्लो 851 करोड़ का है, 3 ईयर्स का कैश फ्लो 561 करोड़ का है। ऑपरेशन से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 23.8% की है, FIIs की होल्डिंग 29% की है। FIIs की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस जरूर हुई है लेकिन काफ़ी अच्छी होल्डिंग कंपनी में FIIs की है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 4.89 करोड़ की है। DIIs की होल्डिंग भी यहाँ पे 14.7% की है और DIIs की होल्डिंग 1.42% बढ़ी है और FIIs की होल्डिंग जस्ट 1.44% घटी है। स्टॉक का PE 44 का है दोस्तों। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। इसका आप रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा है कंपनी का, देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स कंपनी के लगातार इंप्रूविंग ट्रेंड में है और ये लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और ओवर 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का पॉजिटिव है और EPS कॉन्स्टेंट टू राइजिंग ट्रेंड में ही दिख रहा है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। यहाँ पे ये ईयरली रिजल्ट्स कंपनी के देखेंगे तो ईयरली भी कंपनी का जो बिजनेस है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। यहाँ पे कंपनी का EPS भी राइजिंग ट्रेंड में है तो ये सब पॉजिटिव है दोस्तों। कंपनी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ अच्छा होने के बाद स्टॉक गिर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टॉक को टेक्निकल देख के उसको जहाँ पे लोएस्ट लेवल में आप बॉटम को तो नहीं पकड़ सकते लेकिन जहाँ पे एकदम लोएस्ट लेवल है वहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो होल्डिंग की बात की थी, प्रमोटर होल्डिंग 23.7% की है, FIIs की होल्डिंग 28.99%, DIIs की 14.67% एंड 32.59% पब्लिक के पास है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट आपके सामने दिखा रहे हैं दोस्तों और टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो ये स्टॉक एक कंटिन्यूस IPO के बाद कंटिन्यूस ऊपर गया था, अप ट्रेंड में था, कंटिन्यूस आप जा रहा था और उसके बाद ये 4067 का ये टॉप बनाया है, वो 4067 का 4067 का और उसके बाद ये देख सकते हैं 50% से भी नीचे आया था यहाँ पे, ये लोग लो बनाया 1967 का लगभग और उसके बाद मार्केट ऊपर निकला है। अब यहाँ पे मैंने आपको टेक्निकल पैटर्न का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें हमने मास्टरिंग फॉलिंग वेज पैटर्न को आपको सिखाया है और ये फॉलिंग वेज पैटर्न बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो ये फॉलिंग वेज में राइजिंग ट्रेंड में फॉलिंग वेज बन रहा है और वहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न वापस देखने को मिल सकते हैं। इसको आपको एक से वीकली चार्ट है तो एक साल के आसपास का टाइम देना पड़ेगा लेकिन हो सकता है 9 महीने में भी ये टारगेट आ जाए तो यहाँ से आपको 40-45% के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में देखने को मिल सकते हैं कैम्प्स के शेयर में। जो पहला टारगेट होगा आपका यहाँ पे लगभग आपका टारगेट आएगा वो रहेगा 3700 के आसपास, जो कि करंट लेवल से 3750 जो करंट लेवल से लगभग 45% के आसपास ऊपर है। तो कैम्प्स एक ऐसी कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मिंग कंपनी है दोस्तों, असेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। खाली स्टॉक प्राइस में गिरावट आई है दोस्तों, IPO के बाद एक काफ़ी राइज हुआ था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया लेकिन यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का शेप लिया और फॉलिंग वेज के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से एक कंसोलिडेशन, मैंने आपको फॉलिंग वेज को लाइन चार्ट में देखने को बोला है, लाइन चार्ट में देखने से आपको क्लियरिटी आएगा।
तो बाइंग लेवल यही पे है 2550, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2350 और इसका टारगेट जो है 3750 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये है कैम्स का शेयर एनालिसिस, कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर आपने मेरे जो वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मास्टरिंग कैंडल मास्टरिंग द चार्ट पैटर्न जो वेजेस का वीडियो बनाया है और 10 बेस्ट चार्ट पैटर्न, ये दोनों वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको काफ़ी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन और बहुत सिंपल तरीके से हमने जो चार्ट पैटर्न को कैसे पढ़ा जाता है वो समझाया है, तो उसको देख सकते हैं। और वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।